हेलो फ्रेंड्स, एसएस ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे सुबह के 5:30 और मैं जा रहा हूँ एक स्मॉल ट्रिप के लिए त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक के यहाँ पे नज़दीक है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो आज हम जाएंगे वंदे भारत ट्रेन से। हम ट्रेन सुबह 6:51 पे ठाणा से पकड़ेंगे, तो वीडियो में बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैं थाना स्टेशन पहुंच चुका हूं। सो ट्रेन की राह देख रहा हूं, टाइम तो हो चुका है, अभी तक तो ट्रेन आई नहीं। जैसे ही ट्रेन आ जाएगी मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा, और यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी नासिक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनली हमारी वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है थाना स्टेशन पे। तो जैसे ही हम अंदर जाएंगे, मैं अंदर का नज़ारा भी आपको कवर करके दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे और ट्रेन का आनंद लें। अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेंसर के साथ ओपन होने वाला डोर होता है। फिर यहाँ पे आगे जो दिख रहा है, जो दूसरे बोगी में जाने के लिए हम इंटरनल कनेक्टेड है। ये अंदर ऐसी सीटिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और बारिश का वक्त था जब हम गए, तो बाहर के नज़ारे आप देख सकते हैं, कितने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। और इतना बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर देखने वक्त, और अंदर ट्रेन में एसी, और ये जो नज़ारे हैं, जो आपको वाटरफॉल दिख रहे हैं, तो वक्त कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली मैं नासिक रोड पहुंच चुका हूं। आप मेरे पीछे ये स्टेशन देख सकते हो। सो अब यहां से मैं जाऊंगा बस स्टैंड। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए, तो चलो वीडियो में बने रहें, तो मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, बस स्टैंड जाने से पहले हमने भगत आहार भवन में नाश्ता किया, जो कि अच्छा था, रिजनेबल था। और ये बस स्टैंड के अपोजिट में ही है, तो भी आप तुरंत यहाँ से बस पकड़ सकते हैं। तो हमने नाश्ता किया और फिर यहाँ से गए बस पकड़ने के लिए। तो फाइनली हम बस स्टैंड पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड। तो यहाँ से हमें बस मिलेगी त्र्यंबकेश्वर के लिए, जो कि एक बंदे का किराया है 70 रुपये। तो अभी हमने बस पकड़ ली है और अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा नासिक स्टेशन से बस पकड़ने के बाद। तो बाय रोड ही ऑप्शन है, तो आपको ये बस से आप जा सकते हैं। सो फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर के यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब मैं चल के मंदिर के यहाँ पे जा रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे पब्लिक सब मंदिर के लिए चल के जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा मंदिर के लिए, तो आपको लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे मंदिर जाने के लिए। तब भाविक जैसे चल के जाते हैं आपको उनके पीछे पीछे जाना है, तो ये जो सीधा रास्ता है वो मंदिर के यहाँ पे ही जाता है, जहाँ से आपको मंदिर में जाने के लिए लाइन मिलेगी। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे हम मंदिर के मेन गेट के यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ से एंट्री बंद है, तो हमें पीछे से जाना पड़ा। ये जो आप कक्ष देख रहे हो यहाँ पे लाइन लगती है, सो मैं अभी लाइन में आ चुका हूँ अंदर। तो ऐसे ऐसे मैं आगे कवर करते जाऊँगा और आपको मैं वीडियो में दिखाते जाऊँगा। आज तो इतनी गर्दी नहीं है, तभी भी कहा है कि 1 से 1.5 घंटा लग सकता है दर्शन के लिए। जैसे ही लाइन में हम आगे बढ़े, आप देख सकते हो हमारे पीछे कितनी बड़ी लाइन बढ़ चुकी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए लाइन और पीछे पीछे बढ़ती गई। जैसे आप देख सकते हो वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमारी लाइन अब मंदिर के नज़दीक आ चुकी है, और यहाँ से मैं आपको मंदिर के ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, और ये आजू बाजू का परिसर है। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो मंदिर के अंदर झूमर कितना सुंदर लगाया हुआ है। टीवी में आपको शिवलिंग दिखता होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर सामने टीवी में, और बहुत ही अच्छा नक्शी काम और कितना सुंदर और भव्य मंदिर आप देख सकते हो। वीडियो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा यहाँ पे दर्शन हो चुका है। आप मेरे पीछे ये जो मंदिर देख रहे हो, जो त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, देखिए यहाँ से अभी हम दर्शन लेके बाहर आए। आपको वीडियो में पूरा अंदर में जो, तो जैसे ही हम यहाँ पे दर्शन लेके बाहर आए, तो आप देख सकते हो वीडियो में हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर घूमट है। तो दर्शन होने के बाद हम मंदिर के पीछे वाले रास्ते पे गए, जहाँ पे बहुत ही बड़ा तालाब है, और वहाँ पे बहुत ही सुंदर आपको वहाँ पे पहाड़ दिख रहे होंगे। तो चलो वीडियो में आगे आपको मैं तालाब दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे बारिश जोरों से शुरू हो चुकी है, हमारा दर्शन यहाँ पे हो गया है। अभी हम घर पे जाने के लिए निकले हैं, तो देखते हैं हमें हमारी गाड़ी मिलती है कि नहीं, क्योंकि दो तो बज चुके हैं, 2:30 बजे की हमारी गाड़ी है यहाँ से फिर बम्बई जाने के लिए। तो चलो मिलते हैं इसी स्टैंड पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर के एसटी स्टैंड में पहुँच चुका हूँ, जो कि बिल्कुल एसटी स्टैंड नहीं लग रहा है। और हमारी गाड़ी जो आने वाली है, हमने मुंबई सेंट्रल के लिए बुक की है। सो 2:30 बजे का टाइम है उसका, तो चलो देखते हैं, हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। जैसी गाड़ी आ जाएगी मैं गाड़ी भी दिखा दूंगा, फिर यहाँ पे हमारी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।